हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। मैं बत्ती कंपनी से आया हूँ ये बल्ब लेकर। इस टाइम हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है सर। नहीं चाहिए भाई। सर सुनिए तो सही सर, 100 रुपए में 2 बल्ब, वो भी 9 वाट के, एक पे एक फ्री है। अरे नहीं चाहिए ना, बोला ना, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। न जाने कहाँ से चले आते हैं। हाँ बोलो। क्या भैया, आप तो एक बार में कॉल ही नहीं उठाते हैं। अरे यहाँ बहुत सारा काम है, तुम्हारी तरह खाली थोड़ी ना बैठा रहता हूँ। अच्छा ज्यादा ना बोलो, मैं अभी खाना ही बना रही थी। अरे यार। अच्छा हाँ बोलो, क्या बोलना है। भैया राखी को 2 दिन बचे, घर कब आओगे। इस बार घर नहीं आ सकता, यहाँ बहुत सारा काम है, और फिर एक दिन मिलेगा, उसमें भी आने जाने में निकल जाएगा। तो क्या हुआ भैया, कौन सा साल में 2 बार आता है, आ जाओ ना। देख यार जिद मत कर, हर साल तो बांधते हैं, इस बार क्या अलग सा हो जाएगा। भैया इस बार से क्या मतलब, आप आओ बस, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे राखी बांधनी है बस। अरे यार इस साल नहीं बांधेगी तो मैं मर नहीं जाऊंगा। हेलो हेलो, काली हरामखोर, मुझसे बहस करती है तू? तू समझती क्या है मुझे, दिमाग खराब हो गया तेरा। मैंने ऐसा क्या कह दिया, सिर्फ 2 ही दिन तो बचे हैं राखी के, अगर समय पे राखी ना पहुंची क्या फायदा मुझे। राखी राखी राखी, तेरी राखी का ठेका लगा बैठा हूं क्या मैं। तू मुझे ही चले जाने दीजिए ना पोस्ट ऑफिस। अच्छा तो तू बाहर जाएगी, मेरी नाक कटवाएगी। वैसे भी जब से तुझसे शादी हुई है ना, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी, तू बाहर जाकर मेरी इज्जत भी उछालना चाहती है। तो मैं क्या करूं, एक तो ना मुझे मेरे घर ही जाने देंगे और ना ही पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट ही करने देंगे राखी। घर घर घर, तू घर चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा, तेरा बाप, मेरी बहनें आएंगी और आते ही यहाँ काम पर लग जाएंगी। तू अब रिश्तेदारों में भी मेरी नाक कटवाना चाहती है। एक बात बताइए, आपकी बहनें आपकी बहनें हैं, मेरा भाई नहीं है। अगर एक दिन आकर आपकी बहनें घर संभाल लेंगी तो क्या घट जाएगा, मेरी राखी समय पे नहीं पहुंचेगी। साली कुतिया, तूने समझ क्या रखा है मुझे, अपना गुलाम। मेरी बहनें आएंगी और यहाँ काम करेंगी और तू वहाँ महारानी की तरह आराम करेगी। 500 रुपए तेरी बाप की जेब से निकलता नहीं है और तेरे भाई तो वहाँ जैसे नोटों की गड्डी लिए खड़े हैं, मुझसे जवान लड़ाएंगे। साली कुतिया, छोटी सी बात पे आप मेरे पिताजी को बीच में क्यों ले आते हैं, क्या मैंने कभी आपके माता पिताजी को बीच में लाया। साली कुतिया, तू ऐसे नहीं मानेगी ना, मुझसे बहस करेगी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ, हराम खोर कहीं की बहस लड़ाती है मुझसे। अगर तूने मायके जाने के बारे में सोचा भी ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तेरी, घर में घुसने नहीं दूंगा। हराम खोर, इस औरत ने ना जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी, दिमाग खराब करके रखा है। पोस्ट ऑफिस जाएंगी, कहीं नहीं जाने दूंगा ऐसे मैं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैम इस बार हम आपके लिए राखी पर ऑफर लेकर आए हैं, 2 9 वाट का बल्ब मात्र 100 रुपए में। नहीं चाहिए भैया। मैम एक बार देख तो लीजिए। अरे नहीं चाहिए ना भैया। अच्छा मैम, आपके लिए, मात्र आपके लिए 2 के बदले 4 बल्ब मात्र 100 रुपए में। एक बार समझाने में नहीं समझ में आता भैया, कहा ना हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अच्छा दीदी, क्या एक ग्लास पानी मिलेगा। ठीक है भैया, आप यहीं रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ, यहीं पर ही रहना।
दीदी आपके हाथ में ये चोट? वो मैं सीढ़ी से गिर गई थी ना, इसीलिए। धन्यवाद दीदी। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ। भैया आप किधर जा रहे हो? अभी मैं ये पास की गली में से सेल करने जाऊंगा। मेरा एक काम कर दोगे? हाँ। मेरी राखी लेते जाओ, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देना। बस इतनी सी बात दीदी? जरूर मैं पहुंचा दूंगा। एक मिनट में आई भैया। लो भैया। जी लेकिन दीदी इससे मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए भैया तुमको? आपने अपने उस भाई को तो राखी दे दी, मगर आप अपने इस भाई को राखी नहीं बांधेंगी? बिल्कुल बांधूंगी भैया, दो मिनट रुको। दीदी ये लीजिए राखी। दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है तो नहीं, मगर इसे आप राखी का तोहफा समझ के आप इसको रख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं भैया। रख लीजिए, आप इसे तोहफा समझ के रख लीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ। लीजिए। अरे पानी के लिए क्या सोचना है इतना, लीजिए पकड़िए। अरे नहीं भैया नहीं 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 पकड़िए आप, लीजिए लीजिए लीजिए। और कहाँ जा रहे हैं आप? बस प्रयागराज जा रहा था काम की तलाश में। अच्छा अच्छा हाँ मिल जाएगा, काम मिल जाएगा आपको। और आप? मैं घर जा रहा हूँ, ट्रेनिंग खत्म हुई है मेरी ना, घर की याद आ रही थी। घर जाऊंगा, माँ बाबा बहन सबसे मिलूंगा, अच्छे से मिलूंगा। उसके बाद फिर छुट्टी कहाँ मिलती है। जो सेना के एक ट्रक पे हमला हुआ जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। मेरी राखी लेते जाओ, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देना। हेलो बहन, मैं घर आ रहा हूँ।